जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल पर डिक्शन राजा में। दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं देवधर ट्रॉफी का मैच नंबर 3 जो कि खेला जाएगा सेंट्रल जोन वर्सेस साउथ जोन के बीच में। उसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दूं, अभी जो हम देखेंगे वो मैच एक अपना डेमो टीम होगा। फाइनल टीम में जो भी बदलाव होगा उसका अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम कर लेना है, इस वीडियो के चले जाने हैं कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक। उसके ऊपर क्लिक करके आप सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेने हैं। टेलीग्राम पे आपको तकरीबन 1,17,000 के आसपास यूजर दिखेंगे। यूट्यूब पे आपको तकरीबन 1,13,000 के आसपास सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। मैच टाइमिंग को लेकर बात कर लेंगे, दोपहर के 1:30 का मुकाबला होगा। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं विनिंग परसेंटेज, पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, लास्ट 5 मैच देखेंगे हम दोनों टीम का रिजल्ट क्या रहा है, फिर हम देखेंगे लास्ट 5 मैच में इस पिच पे एवरेज स्कोर क्या है, फिर हम देखेंगे लास्ट 5 मैच में टॉस का रोल क्या रहता है इस पिच पे, टीम न्यूज, पॉसिबल प्लेइंग 11, फिर हम देखेंगे टीम एनालिसिस, स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर्स, देन आफ्टर हम देखेंगे 3 मार्की बैट्समैन, 3 मार्की बॉलर, लास्ट मैच देखेंगे दोनों टीम का, देन आफ्टर हम देखेंगे फैंटेसी टीम ड्रीम 11 के लिए भी और बाकी ऐप पे क्या हमारा टीम में बदलाव होगा या फिर से हम टीम लेकर जाएंगे वो डिस्कस करेंगे। और वीडियो का लास्ट में बात करेंगे हम 5 कैप्टन वीसी का नाम जो मिनी जीएलजीएल में आपको अच्छा खासा रैंक दिलवा सकता है। अब आइए फटाफट हम बात करते हैं यहां पे विनिंग परसेंटेज को लेके। एक बराबरी का मुकाबला होगा, सेंट्रल जोन 55% और यहां पे जो है साउथ जोन, यहां पे ऊपर में साउथ जोन ही है ना, साउथ जोन के चांसेस जो है वो 45% के बीच आपको देखने को मिल जाएगा विनिंग परसेंटेज। और ग्राउंड को लेकर बात कर लेंगे, क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी ग्राउंड 2 में मुकाबला होगा और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बैटिंग फ्रेंडली विकेट और यहाँ भी अब स्पिनर्स अच्छे खासे गेम में दिखेंगे आपको। ओवरकास्ट क्लाउड होगा, स्पिनर्स यहाँ पे अच्छे खासे गेम में आपको दिखने वाले हैं। कोई बड़ा न्यूज अभी तक सामने निकल के नहीं आया है। अगर हम बात करेंगे दोनों टीम के लास्ट 5 मैच को लेकर तो सीजेड की टीम विन लॉस 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 लॉस, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे साउथ जोन विन 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 लॉस और विन रहा है, मतलब सामने वाली जो सेंट्रल जोन होंगी लास्ट के 5 में से 4 हारे हैं 1 जीते हैं और साउथ जोन 4 जीते हैं 1 हारे हैं। एवरेज स्कोर को लेकर हम बात कर लेंगे, लास्ट के 5 मैच में 198 है टोटल स्कोर एवरेज का और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 238 का। अगर हम टॉस रोल को लेकर बात कर लेंगे, टॉस विनर्स ऑफ टू बॉल फर्स्ट 60% केस में, मतलब 5 में से 3 दफा, और रिजल्ट भी 5 में से 3 दफा वो टीम विन की है जिसने पहले यहाँ पे बॉलिंग प्रीफर की है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पॉसिबल प्लेइंग 11 सीजेड का तो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे एस चौधरी, उसके अलावा वाई कोठारी, वाई दुबे, एस जैन, यू यादव, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, करण शर्मा, एस सरवाटे, शिवम माबी और यश ठाकुर। अगर हम बात करेंगे साउथ जोन को लेकर तो आपको दिख जाएंगे कुन्नुमल अग्रवाल, सुदर्शन जगदीशन, रोहित रायडू, एक कार्तिक सुंदर, किशोर कबीरप्पा, वैशक विजय कुमार और वी कौशिक। अब दोस्तों यहाँ पे हम टीम एनालिसिस को लेकर बात कर लेते हैं। टीम ओपनिंग जो है सीजेड का वीक है और साउथ जोन का वेरी स्ट्रांग है। अगर मिडिल ऑर्डर को लेकर बात कर लेंगे, सेंट्रल जोन वेरी स्ट्रांग, साउथ जोन स्ट्रांग, डेप बैटिंग डेप दोनों टीम के स्ट्रांग है, पेस बॉलिंग स्ट्रांग है यहाँ पे सीजेड का वेरी स्ट्रांग है साउथ जोन का। अगर हम बात कर लेंगे स्पिन बॉलिंग एवरेज है सीजेड का और स्ट्रांग है, स्ट्रांग नहीं वेरी स्ट्रांग है एसजेड का, क्योंकि इनके पास है ये सामने से साई किशोर दिख जाएंगे, फिर आपको दिख जाएंगे वाशिंगटन सुंदर। अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर सीजेड की तरफ से वाई ठाकुर, शिवम माबी और एसजेड की तरफ से कबीरप्पा, वी कौशिक। डेथ ओवर्स को लेकर बात कर लेंगे सीजेड, शिवम माबी, वाई ठाकुर और यहाँ पे कबीरप्पा, कौशिक, वैशक, विजय कुमार, तब जब पिच पे बहुत ज्यादा स्पिन के लिए मदद नहीं होगा, अदरवाइज जो है आपको स्पिनर्स गेम में दिख जाएंगे डेथ में भी। 3 मार्की बैट्समैन को लेकर बात कर लेंगे अग्रवाल, सुदर्शन, जगदीशन, 3 मार्की बॉलर को लेकर बात कर लेंगे कबीरप्पा, साई किशोर और करण शर्मा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं दोनों टीम के लास्ट मैच को लेके, हम जाएंगे फटाफट क्रिक बज के ऊपर और यहाँ पे जाने के बाद हम देखेंगे सेंट्रल जोन का लास्ट मुकाबला जो कि 8 विकेट से विन करके आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्ट जोन काफी कमजोर है तो उनसे लड़के आ रहे हैं, तो इस मैच को ज्यादा आपको तवज्जो दे के नहीं चलना है। गेंदबाजी शिवम माबी सिर्फ 4 ओवर, यश ठाकुर सिर्फ 5 ओवर, मतलब स्पिन देखिए कितना ये लोग यूज किए हैं, वेंकटेश अय्यर सिर्फ 2 ओवर, सारंश जैन 10, सरवटे 10, करण शर्मा 10, शिवम चौधरी 6 और वाई कोठारी 2, समझ रहे हो ना। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सारंश जैन 10 ओवर 39 रन 2 विकेट, सरवटे 10 ओवर 19 रन 3 विकेट, करण शर्मा 10 ओवर 34 रन 1 विकेट, शिवम चौधरी 6 में 21, वाई कोठारी 4 ओवर 14 रन 2 विकेट, 2 ओवर 4 रन 2 विकेट। बल्लेबाजी में बात कर लेंगे, कोठारी 0, शिवम चौधरी 85, यश दुबे 72, सरंस जैन किए थे 8 रन। अब आइए हम बात करते हैं सामने वाली टीम को लेके, सामने वाली टीम मतलब साउथ जोन वो ईस्ट जोन के साथ जीत के आ रही है कितने विकेट से,
पांच विकेट से। गेंदबाजी में बात कर लेंगे, काफी बैलेंस गेंदबाजी अटैक है इनका। कबीरप्पा 9 में 40 रन 2 विकेट, कौशिक 8 ओवर 37 रन 1 विकेट, वैसक विजय कुमार 9 में 62 रन 1 विकेट, वाशिंगटन सुंदर 10 ओवर 41 रन 1 विकेट, साई किशोर 10 ओवर 45 रन 3 विकेट। सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं, अगर पिच में स्पिनर्स के लिए ज्यादा मदद रहा तो आपको दिख जाएंगे रोहित रायडू भी गेंदबाजी करते हुए। अगर हम बात करें बल्लेबाजी में, कुन्नूमल 18, साई सुदर्शन 53, मयंक अग्रवाल 84, जगदीशन 32, रोहित रायडू 24, अरुण कार्तिक 1 और सुंदर किए हुए थे 8 रन। अब आइए हम दोस्तों बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर। फटाफट हम जाएंगे कहां पे, ड्रीम 11 के ऊपर। यहां पे जाने के बाद हम जाएंगे मैच के ऊपर, मैच के ऊपर जाने के बाद हम जाएंगे माय टीम्स के ऊपर, और यहां पे आपके साथ हम टीम क्रिएट करते हैं। विकेट के पीछे जगदीशन, उपेंद्र यादव 2 अच्छे पिक हैं। हम किसको लेके जाएंगे, पहले हम जाएंगे बैटिंग सेक्शन से। हम यहां पे लेके जाएंगे मयंक अग्रवाल को, फिर वेंकटेश अय्यर, एक आपके लिए ऐसे प्लेयर हैं जिसको छोड़ोगे तो भी रिस्क है, नहीं छोड़ोगे फिर भी रिस्क है। रीजन क्या कि आपको कुछ ना कुछ ओवर गेंदबाजी करते नजर आ जाने वाले हैं, 2 ओवर 3 ओवर या फिर 5 से 7 ओवर। तो आप अगर बिल्कुल सेफ जाना चाहते हो वेंकटेश अय्यर को ले सकते हो, लेकिन मैंने अभी के लिए इनसे दूरी बनाना उचित समझा है। मैं जाऊंगा सुदर्शन और कुन्नूमल के साथ, आप जा सकते हो यश दुबे के साथ जो लगातार अच्छे रन बटोर रहे हैं। देखिए ये बल्लेबाज फ्लॉप ही नहीं हुआ इस टूर्नामेंट, 72-74 ऐसे करके रन करके आ रहे हैं, तो आप यश दुबे को लेके जा सकते हो। मैं कुन्नूमल को अभी के लिए लिया हूं, मैंने जीएलजीएल में रोहित रायडू को जरूर ध्यान में रखिएगा। ऑलराउंडर से मैं जाऊंगा यहाँ पे अपने टीम में वाशिंगटन सुंदर के साथ, फिर मैं जाऊंगा करण शर्मा के साथ, साई किशोर के साथ, और मैं यहाँ पे सरवाटे और शिवम चौधरी में से किसी एक को लेने वाला हूँ। अभी के लिए मैंने शिवम चौधरी को अपनी टीम में जगह दिया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है फाइनल टीम में सरवाटे को अपनी टीम में जगह दे दूँ। अडोस एप्लीकेशन पे जहाँ पे आप एक बल्लेबाज के साथ जा सकते हो, वहाँ पे आप सिर्फ बल्लेबाजी में लेके जाना मयंक अग्रवाल या फिर सुदर्शन में से किसी एक या दो को, और एक गेंदबाज आप ले लेना यहाँ पे ऑलराउंडर सरवाटे को। बॉलिंग से बात कर लूँ, वैसे आप कितने भी बड़े गेंदबाज होंगे मैं पेसर्स में कम दिलचस्प दिखाने वाला हूँ। स्पेशली मैं दिखाऊंगा दिलचस्प वी कबीरप्पा के ऊपर, फिर मैं दिखाऊंगा अपना दिलचस्प यहाँ पे स्पिनर तो मुझे दिख ही नहीं रहे इधर से, तब तो वैसे पेसर्स के साथ ही जाना पड़ेगा, और पेसर्स में मैं लूंगा वैसे विजय कुमार को। अब देखिए एक चीज़ तो पता है कि एस जेड की जो टीम है वो अपने पेसर्स का स्पेल जल्दी काटते नहीं है, तो वी कौशिक भी आपको 7 से 10 ओवर डालते जरूर दिखेंगे, लेकिन शिवम अभी कितना डालेंगे ये कहना अभी मुश्किल है। तो क्या मुझे विकेट के पीछे या फिर बल्लेबाजी में कुन्नूमल के जगह पे ट्रैक करना चाहिए किसी और को, तो मैंने अभी के लिए कुन्नूमल के जगह पे ट्रैक कर लिया वेंकटेश अय्यर को, ठीक है। विकेट कीपर में जगदीशन और उपेंद्र यादव में से आपको किसी एक को ट्रैक करना पड़ेगा। जगदीशन को अगर आप ले लेते हो तो फिर आप भी कौशिक को लेके नहीं जा पाओगे, तो मैंने यहाँ पे अभी के लिए उपेंद्र यादव को अपनी टीम में जगह दिया है। ओडीआई के ये भी मजे हुए प्लेयर माने जाते हैं। और मैं बॉलिंग में फिर लेके जाऊंगा अपनी टीम में किसको, अपनी टीम में भी कौशिक को लेके अभी के लिए जाऊंगा। और ये मेरा फाइनल टीम आपके सामने जो रहा, उपेंद्र यादव, मयंक अग्रवाल, वेंकटेश अय्यर, स्वाई सुदर्शन, सुंदर, करण शर्मा, साई किशोर, शिवम चौधरी, वी कबीरप्पा, वैसक विजय कुमार और वी कौशिक, ये हमारा अभी के लिए फाइनल टीम है सभी एप्लीकेशन पे जहां कहीं भी आप खेलना चाहते हो। कैप्टन विसी को लेकर बात कर लूं, मेरे जो कैप्टन विसी होंगे वो सुंदर, करण शर्मा, साई किशोर या फिर शिवम चौधरी में से ही कोई दो होंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने कैप्टनसी का जो फॉर सौंपा है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले मैं आपको 5 यहाँ पे कैप्टन विसी के ऑप्शन बोल देता हूँ जिसको आप लोग यूज करके मिनी जीएल जीएल एसएल सभी जगह अच्छा रैंक लेके आ सकते हो। कौन कौन, वेंकटेश अय्यर, शिवम किशोर, साई किशोर, करण शर्मा, सुंदर, मयंक अग्रवाल, कुबेरा का डियो क्विंटो पिक्स हो या फिर एक्सचेंज 22 का बाय सेल मल्टीवेगर पिक्स हो, भैया सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे देने वाला हूं, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए मैंने कैप्टनसी का जो ऑप्शन रखे हैं वो उसमें रखे हैं पहले नंबर पे मयंक अग्रवाल को, और वीसी मैंने दिए साई सुदर्शन को, बाकी हमारे जो कैप्टन वीसी हैं वो वाशिंगटन सुंदर, साई किशोर वगैरह भी रह सकते हैं तब जब इनकी पहले बल्लेबाजी आएंगी। और मैं इस टीम को अभी के लिए सेव कर लेता हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंस्पायर कीजिए, चक्का सब इन कीजिए और समझदारी से जीएल मिनी जीएल जरूर ट्राई कीजिएगा।